भाइयों में पावर ट्रैक का ट्रैक्टर है ये, यूरो 50 एचपी का, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। 52 एचपी का ट्रैक्टर है और बिल्कुल ये जो सर जी हैं बिल्कुल नया ट्रैक्टर लेकर आए कल ही और नया प्लाव लिया है इन्होंने, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो सर अपना परिचय दें सबसे पहले आप। अच्छा जी, कहाँ से देख रहे हैं? इंडिया से देख रहे हैं। और ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दे दो। बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर, 52 एचपी में आता है। अच्छा अच्छा, और कब लिया आपने ट्रैक्टर ये? परसों के दिन ट्रैक्टर लिया, बिल्कुल नया डायरेक्ट एजेंसी सीधा खेत, आज ही लेकर आयो। प्लाव पर चला रहा हूँ, प्लाव भी दिखा देते हैं एक बार। ये प्लाव है दोस्तों, और प्लाव भी बिल्कुल लेटेस्ट नया प्लाव है, फौजी मेटल वालों का। और कल ही लेकर आए इसे, इसके ब्लेड और फाड़े वगैरह भी चेक कर लो आप, रिवर्सेबल है। और ये ट्रैक्टर है 52 एचपी का, डबल वाल में है ये, डबल वाल आता है। और टायर भाई साहब 14 के टायर में है दोस्तों, और फ्रंट के है इसमें 750 16 के। पावर एचपी कैटेगरी में आता है, लगभग 3000 सीसी के इंजन के साथ में, 3 सिलेंडर में ही ट्रैक्टर है। 3 सिलेंडर में आता है, हाइड गियर में है, लो में नहीं, अभी तो लो में चला रहे हैं। लो में चला रहे हैं, अभी कौन से गियर में चला रहे हो? लो तीसरे में। और कितनी रेस में? 12.5 की रेस। दोस्तों 12 की रेस पे ट्रैक्टर चल रहा है ये प्लाव के ऊपर, और इसकी फ्रंट भी दिखा देते हैं आपको। ये फ्रंट ट्रैक्टर का प्लाव, ठीक है भाई साहब बैठो। दोस्तों एजेंसी से डायरेक्ट सीधा खेत में लेकर आए हैं नया प्लाव, नया ट्रैक्टर। अब इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर लो आप, तीसरे गियर में ही लो में, तीसरे की लो में है ना। बहुत ही बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर, आवाज़ भी चेक कर लो ट्रैक्टर की, इस तरह की आवाज़ आ रही है। डीजल एवरेज भी आने का दोस्तों, कितना तेल खा रहा है। ये है दोस्तों पावर ट्रैक डीजल से, और ये प्लाव के साथ चल रहा है इसमें। ट्रैक्टर है लेटेस्ट, थोड़ा और घेरा भी लगवाएंगे इसे, एवरेज भी बताएंगे। कोई मीटर वालों का ही रिवर्सेबल चेक कर सकते हो आप, और ये परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो टीम से देख लो खेत की कंडीशन। कराई भी बढ़िया लेके चल रहा है, एक पेड़ तो चल रहा है लेकर। Thank you.
परफॉर्मेंस भी चेक कर लो आप, ये देख लो कितना बढ़िया काम कर रहा है ये प्लाउ को, एक नंबर जबरदस्त। ये देख लो मिट्टी ठोस नहीं, मिट्टी है ज़्यादा करड़ी मिट्टी नहीं। और टायरों में पानी नहीं दोस्तों, जैसा कंपनी ने ट्रैक्टर दिया है वैसा का वैसा ही चला रहे हैं इसे, और हवा भी ज़्यादा है इसमें। क्यों भाई साहब हवा ज़्यादा है टायरों में, इस मारे भी दाब रहे हो जो है ना, मतलब स्लिप इसलिए भी काट रहा है क्योंकि हवा ज़्यादा है टायरों टायरों में हवा कम रहनी चाहिए। मतलब जो तीन ग्रुट है ना इनके, वो तीन ग्रुट बराबर रहे हुए एकदम जमीन पर, इतनी हवा रहे मैं बुलाऊ। तो ये दोस्तों डायरेक्ट हवा ज़्यादा है और टायरों में पानी नहीं है इसमें, बिल्कुल जैसा एजेंसी से ट्रैक्टर आता है। परसों के दिन ट्रैक्टर लेकर आए और कल नया प्लाउ फांदा है और डायरेक्ट खेत में से आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। पावर ट्रैक यूरो 50 का एवरेज लगभग 3.5 लीटर लेके चलेगा ये, अभी एवरेज की कंफर्म नहीं है क्योंकि पहली बार ट्रैक्टर चला रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है ये 50 HP में। ये देख सकते हो दोस्तों पावर ट्रैक का यूरो 50 52 HP का ट्रैक्टर आता है डबल वाल में लगभग।